एक बार फिर से स्वागत है आपका दोस्तों आपके अपने चैनल स्कॉलरफे क्लासेस में, जहां पे हम किरण की सीरीज की लड़ी लगा रखे हैं। ये हर आपको एवरी वेनसडे और एवरी संडे सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर के सॉल्यूशन मिलेंगे। चलिए तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, फॉलो, जो भी फॉर्मेलिटी हो सबको कर दें। चलिए अपने टाइम को लॉस के हम स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई नाउ रियलाइज दैट पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्स एज मच करेज एंड कॉन्फिडेंस एज टू डांस। यहाँ मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि आप पकाऊ कलर लगा हुआ है, ये कलर ठीक है। चलिए दोस्त, आई नाउ रियलाइज दैट पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्स एज मच करेज एंड कॉन्फिडेंस एज टू डांस, नो एरर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेंटेंस की मीनिंग को समझेंगे तो यहाँ पे आपको जो करेज है ये आपका नाउन है और ये कॉन्फिडेंस ये भी आपका नाउन है, लेकिन जैसा कि एज मच करेज एंड कॉन्फिडेंस एज टू, एज के बाद जो नाउन लगा हुआ है तो उसके एज के बाद भी यहाँ पे भी नाउन आना चाहिए। तो ये जो टू डांस, ये आपका यहाँ पे टू डांस ना हो कि आपका हो जाएगा डांसिंग, और डांसिंग आपका जेरंड का काम करेगा क्योंकि जेरंड एक वर्बल नाउन होता है, एक नाउन का काम करता है जेरंड, इसलिए डांसिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 802, द चिल्ड्रन विच आर असेंबल्ड इन द हॉल आर द वंस चूजन फॉर द फील्ड ट्रिप, नो एरर। तो ऑप्शन नंबर 412, तो इसमें क्या है फ्रेंड्स कि जैसा कि आप जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो अपने एंसीडेंट वाले को मतलब अपने पहले वाले के हिसाब से मीनिंग मतलब बाद में बताता है वो। तो यहाँ पे क्या होगा, द चिल्ड्रन के बाद लगा हुआ है विच, और विच कभी भी लिविंग थिंग्स को नहीं बताता, विच की जगह आपको हु करना होगा कि हु आर असेंबल्ड इन द हॉल, ऐसे चिल्ड्रन जो असेंबल्ड हुए हैं हॉल में गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त 803, क्वेश्चन नंबर 803 क्या है, इट इज़ टू सर्टिफाई दैट ही वाज वॉन द एसे राइटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर। तो यहाँ पे जो लिख दिया है सर्टिफाई, ये एक सर्टिफाई मतलब होता है कि आप लिखित, आप किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर लिखित सर्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ ये सब मेरे साथ हुआ है या मैं इसको सर्टिफाइड कर रहा हूँ, मैं सर्टिफाई हूँ। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा राइटिंग में बात नहीं हुआ, यहाँ पे आप एक तरह से आप यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं कि इट इज़ अनाउंस्ड अनाउंस दैट ही इज़ वॉन। तो यहाँ पे अनाउंस, यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे आप बता रहे हैं बातों, चीज़ों को क्लियर कर दे रहे हैं कि यहाँ पे ये जीत चुकी है ये राइटिंग कंपटीशन। तो अनाउंस है तो डिक्लेयर, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, नीदर ऑफ द सिस्टर्स आर सेंसिबल इनफ टू कैरी आउट द प्लान। तो दोनों सिस्टर, मान लीजिए ये चुन्नी मुन्नी है, फ्लैट कर लेते हैं, तो ना ही ये वाली सिस्टर आपकी सेंसिबल है और ना ही ये वाली सिस्टर सेंसिबल है, मतलब दोनों सेंसिबल नहीं है। तो जब ऐसे कंडीशन में जब बात होती है कि नन, मतलब एक तरह से ना के बराबर बात होती है कि कोई नहीं सेंसिबल है, दोनों में से कोई नहीं, तो आपको वर्ब हमेशा इज लगाना पड़ता है, मतलब सिंगुलर लगाना पड़ता है, यहाँ पे तो प्यूरल वर्ब नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 805, गिव योर आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे जो आपको फ्रेंड्स एरर है कि जैसा कि एसएससी के एग्जाम नहीं आ रहा, तो आप लोग की पढ़ाई भी एकदम अपने लेवल पे होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एज फॉर, जैसे मैंने आपको बताया था कि एज फॉर एज, एज के बाद यहाँ पे एडवर्ब एडजेक्टिव आया हुआ है, आपका एडजेक्टिव है फॉर, तो यहाँ पे आपको एडजेक्टिव चाहिए क्योंकि एस के बाद जो आएगा भाई दूसरे एस के बाद भी आएगा। तो यहाँ पे आपको चाहिए प्रैक्टिकेबल, प्रैक्टिकेबल जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। अब इतना तो आपको कुछ पता ही होगा कि प्रैक्टिकल में ए बी एल ई लगा देंगे तो प्रैक्टिकेबल बन जाएगा ये, जो कि एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 805, टायर्ड आई वॉज आई हैड टू कीप ऑन वर्किंग टिल द वी आवर ऑफ द मॉर्निंग, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 806 का जो आंसर है फ्रेंड, यहाँ पे आप क्या जगह थो यह जाएगा क्योंकि सेंटेंस यहाँ पे इनकम्प्लीट है इसके बिना, तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा, ये सब आपको फ्रेंड्स एक तरह से सेंस समझने के बाद समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 807, द सजेशन गिवन बाय हिम इज एज बैड इफ नॉट वर्स देन द वन सजेस्टेड बाय यू, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 807 में जो एरर है फ्रेंड्स, आपका जो एरर वो हो जाएगा इज एज बैड इफ नॉट वर्स, ऑप्शन नंबर सेकंड में आपका एरर है, और आपका एरर कहाँ पे वो देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका जो आंसर फ्रेंड्स, एज बैड के बाद एज नहीं आया है, इफ़ लग गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा एज बैड एज, एज बैड एज इफ नॉट वर्स हो जाएगा, ये आपका एरर दोस्त, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है, ना कि यहाँ पे एक आपकी पॉजिटिव डिग्री की बात हो रही है। यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा इफ नॉट के बाद वर्स, तो आपका आंसर हो जाएगा द सजेशन गिवन बाय हिम इज एड बैड एज इफ नॉट वर्स देन द वन सजेस्टेड बाय यू, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 807 का आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियरिंग दिस स्ट्रेंज नॉइस अबव थॉट एट वंस अकर्ड टू मी दैट थीव्स हैड एंटर्ड द हाउस, ऑप्शन है आपको 1 2 3 4। तो इसमें आपको जो एरर है दोस्त,
यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये आपका जो हियरिंग लिखा है, ये हियरिंग वर्ड कुछ नहीं होता, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा हेयर, क्योंकि ये स्टैटिक वर्ब होते हैं। लव हो गया, हेयर हो गया, टेस्ट हो गया, सब स्टैटिक वर्ब। ये सब की इन सब का कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता, क्योंकि कभी भी आप किसी को अगर आप लव कर रहे हैं तो लविंग नहीं उसको बोलेंगे। अगर आप किसी को सुन रहे हैं तो उसको ये नहीं कहेंगे कि सुन रहा है, इसको आप हेयर में ही सेंस उसका आएगा सुनने का। तो इसका कभी भी प्रोग्रेसिव टेंस नहीं बनता, इसका कभी भी कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता। ये ऐसे वर्ब होते हैं, और जिनका बनता है वो होता है डायनेमिक वर्ब। तो यहाँ पे जो है वो ये डायनेमिक वर्ब नहीं, स्टैटिक वर्ब, ये आपका स्टैटिक वर्ब है, इस वजह से यहाँ पे हेयर लगना पड़ेगा, हेयरिंग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 809। एवरी वन वर हैप्पी टू हियर अबाउट हिज सक्सेस। ऑप्शन फर्स्ट में क्या पूरा बोल रहा है कि टू हियर में एरर है, कि अबाउट हिज सक्सेस में एरर है, कि नो एरर है, या एवरी वन वर हैप्पी में एरर है। तो जैसे आपको पता है कि एवरी वन मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक मतलब एक एक करके बात हो रही, तो यहाँ पे वॉज हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब आपका लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 810। द लायंस किल द एनिमल्स एंड ईट हिज मीट। यहाँ पे एरर कहाँ है, बोल रहा है कि द लायंस में है, कि ईट हिज मीट में है, कि किल द एनिमल्स में है। तो क्वेश्चन नंबर 810 का जो आंसर है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द लायन किल द एनिमल्स एंड ईट हीज मीट। यहाँ पे हीज मीट बोल रहा है, मतलब सिंगुलर बता दिया, लेकिन यहाँ पे एनिमल्स भी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्या, ईट देयर मीट, क्योंकि प्यूरल है, कई सारे जानवर उसकी मीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 811। द टीम वॉज नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस। नो एरर, द टीम वॉज अबाउट टू टेक देयर नाउ इन फील्ड एंड प्लेस। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो एरर किस पार्ट में वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 811 में जो एरर आपका है वो आपका रहेगा अबाउट वॉज नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर। यहाँ पे जो देयर लगा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो फील्ड की है, टीम एक, सब कुछ मतलब आपका सिंगुलर बात हो रहा है। तो 811 में जब सारी बात सिंगुलर में, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपको सिंगुलर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इट्स प्लेस, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो वर्ब भी आपका सिंगुलर, और उसके साथ जो भी आपको पॉजिटिवनेस अगर दिखाएंगे वो भी सिंगुलर के साथ ही दिखाएंगे। तो टेक देयर, टेक इट्स प्लेस हो जाएगा अपना जो पॉजिटिवनेस दिखाते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 812। अगर आपको फ्रेंड किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको वहीं से रिप्लाई कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 812। आवर बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर इज नोन टू द प्रोमिनेंट फिगर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, या ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमारे जो चाहे थे प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ही एक तरह से प्रोमिनेंट मतलब होता है दोस्त की काफ़ी ज़्यादा नाम कमाना, काफ़ी ज़्यादा फेमस होना पूरे वर्ल्ड में। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में वो, काफ़ी ज़्यादा उनका रिस्पेक्ट है। तो इसमें जो 812 में जो आपका एरर है वो नो एरर, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे सेंटेंस एकदम करेक्ट है फॉर्म में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 813। प्रोफेसर लाल टीचेस बोथ विद हिस्ट्री एज वेल एज लिटरेचर इस सेमेस्टर। ऑप्शन आपका है प्रोफेसर लाल टीचर्स में एरर है, नो एरर है, इस सेमेस्टर में एरर है, कि बोथ हिस्ट्री एज वेल एज लिटरेचर में एरर है। तो इसका जो एरर है दोस्त वो हो जाएगा कि बोथ हिस्ट्री, बोथ के साथ एज वेल एज नहीं लगता, वो हमेशा बोथ के साथ एंड लगता है, तो बोथ हिस्ट्री एंड लिटरेचर हो जाएगा, ना कि एज वेल एज लगेगा उसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 814। द मीडिया प्लेज अ विटल रोल इन पॉपुलराइजिंग अ ब्रांड। द मीडिया प्ले अ पॉपुलराइजिंग अ ब्रांड, नो एरर अ विटल रोल। ये चार आपके पास ऑप्शन है, तो चलिए देखते हैं इन ऑप्शन में से आपका एरर कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो आपका एरर मुझे पढ़ने पे लग रहा है कि यहाँ पे द मीडिया है, द मीडिया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। द मीडिया अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका वर्ब भी क्या होना चाहिए सिंगुलर। तो यहाँ पे आपको जो प्लेज, किसी भी वर्ब क्या क्या अगर ऐसा लगा देंगे तो वो सिंगुलर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 815। माई फ्रेंड विल नॉट कम टू अटेंड दिस मैरिज अनलेस ही इज नॉट इन्वाइटेड, नो एरर है। माई फ्रेंड विल नॉट कम में एरर है, या तो टू अटेंड दिस मैरिज में एरर है, या तो अनलेस ही इज नॉट इन्वाइट में एरर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये एरर। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को एक एक लाइन बाय लाइन अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो 815 में जो आपको एरर दिखेगा वो हो जाएगा अनलेस के बाद। तो अनलेस ही इज नॉट इन्वाइटेड लिखा है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए अनलेस ही इज इन्वाइटेड, मतलब कि मेरा दोस्त मेरे वो मेरा दोस्त मैरिज अटेंड नहीं करेगा जब तक उसको बुलाया नहीं जाएगा। तो जब तक से उसको बुलाया नहीं जाएगा तब तक वो नहीं जाएगा, लेकिन जब उसको बुला दिया जाएगा तब वो जाएगा। तो यहाँ पे सेंस निकल रहा है, जो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन उसका सेंस क्या निकल रहा है कि अनलेस यू नॉट मेट, मतलब जब तक उसको बुलाया नहीं जाएगा तब तक वो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो ऐसा सेंटेंस ही गलत होती है इंग्लिश वर्ड में, इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा सेंटेंस गलत होती है, यहाँ पे हो जाएगा कि हो जाएगा अनलेस ही इज इन्वाइटेड, जब तक से उसको बुलाया नहीं जाएगा तब तक से वो नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 816 है। दिस इज सेकंड कम्युनिकेशन वी हैव सेंट एंड वी आर मच सरप्राइज एट रिसीविंग नो आंसर। क्वेश्चन नंबर 816। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन की मीनिंग को पढ़ेंगे एक एक लाइन लाइन बाई लाइन अगर पढ़ेंगे तो
मुझे क्या एरर यहाँ पे लग रहा है कि दिस इज द सेकंड कम्युनिकेशन वी आर सेंडिंग होना चाहिए, दिस इज द सेकंड कम्युनिकेशन वी आर सेंडिंग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बात प्रेजेंट में है और प्रेजेंट में है बात, तो यहाँ पे भी आपको बात को प्रेजेंट टेंस में ही रखनी पड़ेगी, जबकि यह है प्रेजेंट में, लेकिन प्रेजेंट आपको कंटिन्यूअस रखना पड़ेगा, तो वी आर सेंडिंग हो जाएगा आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सी इज़ वेल्दी एंड कैन अफोर्ड ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ एंड कैन अफोर्ड ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ, नो एरर, सी इज़ वेल्दी, ये चार ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो आपका एरर लग रहा है, मुझे पढ़ते समय जो एरर लग रहा है, सी इज़ वेल्दी एंड कैन अफोर्ड ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ, यहाँ पे नो एरर है, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 818, बाई मे नेक्स्ट ईयर आई हैव बिन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर्स, तो अगले साल मई में मुझे यहाँ इस कॉलेज में काम करते हुए 20 साल हो जाएंगे, तो ये फ्यूचर की बात बता रही है। अगर आप इसकी मतलब को समझेंगे तो ये फ्यूचर की बात बता रही है और एक बात फिक्स कर रही है फ्यूचर में कि हमें फ्यूचर में 20 इयर्स हो जाएंगे, इसका मतलब ये बात फ्यूचर परफेक्ट में हो रहा है, ये बात को क्लियर कर दे रही है। तो और फ्यूचर परफेक्ट में कभी भी आपका हैव भी नहीं लगता, फ्यूचर परफेक्ट में जब भी आपका लगेगा तो विल हैव बीन लगेगा, तो यहाँ पे आपको लगाना होगा विल हैव बीन, आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 819, एवरी वन ऑफ अस शुड रियलाइज दैट एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजियंस विल कॉज अ ग्रेट हार्म टू आवर कंट्री सिक्योरिटी, ऑप्शन ए नो एरर है, सेकेंड नहीं, थर्ड, फोर्थ। तो ये देखने में मुझे इतने बड़े क्वेश्चन लग रहे हैं जबकि इसके एरर बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं और इतना छोटे हैं कि यहाँ पे नो एरर आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एवरी वन ऑफ अस लिखा हुआ है, एवरी वन ऑफ अस मतलब हम में से प्रत्येक, शुड रियलाइज, शुड रियलाइज, शुड लगा हुआ है एवरी वन के लिए, ठीक है, शुड मॉडल वर्ब है, शुड, शुड रियलाइज दैट एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस, किसी भी कोई भी ऐसा काम जो नेग्लिजेंस का, कोई भी ऐसा नेग्लिजेंस का काम विल कॉज ग्रेट हार्म टू आवर कंट्री सिक्योरिटी, मतलब हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा को नुकसान पहुँचा सकता है, तो यहाँ पे नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 820, आई शैल लुक फॉरवर्ड टू बींग विथ यू सम टाइम नेक्स्ट मंथ, नो एरर, आई शैल लुक फॉरवर्ड टू बींग विथ यू, ये क्वेश्चन मुझे आप, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्वेश्चन नंबर 820 का आंसर क्या है, जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करिए, और जल्दी हम एक नया वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम आप स्टूडेंट्स के सारे प्रॉब्लम्स की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और गहराई तक जो देखेंगे कि आपको मेन प्रॉब्लम होती कहाँ है, आप कमेंट में क्यों इतना कमेंट करते हैं कि सर ये पढ़ा दीजिए वो पढ़ा दीजिए, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर इसी वीडियो के कमेंट में, किसी भी वीडियो के कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए, मैं और हमारी टीम जो भी है हम उस प्रॉब्लम को अपने चैनल पे लाएंगे और उसका बेस्ट सोल्यूशन आपको देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लेकिन क्वेश्चन आने से पहले दोस्त क्या हुआ कि शेयर विथ योर फ्रेंड का स्लाइड आ गया, तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए, फॉलो करवाइए, हमारे फेसबुक FB पेज पर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी बन चुका है, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करिए फ्रेंड्स, ताकि आप जल्दी से जल्दी और जल्दी से बेटर से बेटर अपनी तैयारी को रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 21, आई रियली डू रिग्रेट नॉट टू लर्न टू प्ले द वायलन व्हेन आई हैड सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड प्रैक्टिस इन स्कूल, तो क्वेश्चन नंबर 821 में जो एरर है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 821 में जो एरर है वो आपका हो जाएगा नो एरर, आई रियली डू रिग्रेट, तो 821 में जो एरर है सबका सेकंड ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में एरर क्या है दोस्त कि जब भी यहाँ पे आप, अगर आप मीनिंग को बात को समझेंगे तो आई रियली डू रिग्रेट, मैं मुझे पछतावा होता है, नॉट टू लर्न टू प्ले वायलन, नॉट टू लर्न टू प्ले, दो दो इन्फिनिटिव आ रहा है लेकिन दो दो इन्फिनिटिव का कोई मतलब नहीं होता, जबरदस्ती दो दो इन्फिनिटिव कहीं नहीं लगता है, आपको हाउ लगाना पड़ेगा, हाउ टू प्ले, उसको क्यों रिग्रेट हो रहा है, उसको क्यों पछतावा हो रहा है, क्योंकि वो वायलन प्ले करना नहीं सीख पाया, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको आई रियली डू रिग्रेट एंड नॉट टू लर्न हाउ टू प्ले द वायलन, कि वायलन को कैसे प्ले करते हैं ये मैं नहीं सीख पाया इसलिए मुझे रिग्रेट हो रहा है, तो क्वेश्चन को आपको पूरा गहराई तक जाना होगा क्वेश्चन किसी भी एरर को निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 822, द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ पेमेंट्स ऑफ 5,000 ईच टू दोज हु इंजर्ड इन द फायर एक्सीडेंट, क्वेश्चन नंबर 822 का जो एरर है फ्रेंड, मुझे पढ़ने पे क्या लग रहा है कि यहाँ पे दो बातें चल रही हैं, एक तो है कि गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ पेमेंट ऑफ 5,000 ईच, 5,000 रुपये प्रत्येक पीड़ित वालों को मिलेगा, और उसके बाद हु इंजर्ड इन द फायर एक्सीडेंट, जो कि एक्सीडेंट में इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हुए हैं, तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं हु इंजर्ड इन द फायर एक्सीडेंट, तो पहले एक्सीडेंट हुआ होगा, पहले एक्सीडेंट होगा तभी गवर्नमेंट अपनी स्कीम लाई है कि 5,000 रुपये सबको मिलेगा, इसलिए जब पहले कोई काम पास्ट में हो चुका है उसको आप हमेशा लगाएंगे पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि ये भी आपका पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर पास्ट परफेक्ट में रखेंगे अब हु हैड इंजर्ड, तो इसका मतलब कि दो तीन दिन पहले कोई इंजरी हुई है और कल, जस्ट कल, बीते हुए कल में गवर्नमेंट अपना स्कीम लाइए 5,000 रुपये ईच देने के लिए, तो ये आपका दो दो पास्ट में होता है, और जो पहले पास्ट आपको हो चुका है उसमें आप हेड लगा देते हैं और जो रिसेंटली में बीजा घटने को आप में लगा देते हैं पास्ट इंडेफिनिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 823। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर कंडक्ट विद इन 2 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर। तो 823 में जो एरर है दोस्त, कि यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर कंडक्ट विद इन द 2 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ दिस। यहाँ पर नो एरर है, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 824। द रूइंस ऑफ द स्पिलवे आर अ वाइटल क्लू, अ वाइटल क्लू टू द एपिक स्ट्रगल दैट अनफोल्ड एज जनरेशंस ऑफ खमेर इंजीनियर कोप्ड विद अ वाटर सिस्टम दैट ग्रू कॉम्प्लेक्स एंड अनरूली। ये देखने से इतना भयानक क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये भयानक क्वेश्चन है नहीं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप क्वेश्चन के सब्जेक्ट को पकड़ना शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 823 में अगर आप क्वेश्चन के सब्जेक्ट को पकड़ना शुरू करेंगे, तो आपको सब्जेक्ट क्या मिलेगा, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन, कि यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन, ये बात हो रही है पैसिव फॉर्म में। तो यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर कंडक्ट, यू के साथ योर, बिल्कुल सही है, योर कंडक्ट है, क्योंकि यू के बारे में बात हो रही है तो उसी का कंडक्ट होगा। विद इन 2 डेज, 2 दिन के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन देना है टू ऑफ द रिसिप्ट ऑफ दिस इस लेटर की रिसिप्ट। यहाँ पे नो एरर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 823 नो एरर, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 824। 824 का जो एरर है दोस्त, वो क्या है कि 824 में आपको सब्जेक्ट पकड़ना है। सब्जेक्ट पकड़ना क्या है कि जब भी आप यहाँ पे देखेंगे द रूल्स ऑफ द स्पिल वे, सब्जेक्ट है क्या कि रूल्स, स्पिल वे का रूल्स है, आर वाइटल ड्यू टू एपिक, वाइटल क्लू टू द एपिक स्ट्रगल दैट अनफोल्ड। यहाँ पे एरर मिला, दैट के साथ अनफोल्ड जो कि एक वर्ब है, और यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपको अनफोल्ड्स हो जाएगा, ये आपका एरर है, ये आपका एरर है ऑप्शन नंबर सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 825। बॉबी लर्न दैट अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ये जरूर आपको आना चाहिए। तो अल्फाबेट नहीं होता, अल्फाबेट होता है, तो अल्फाबेट होता है दोस्त, अल्फाबेट्स में का ऐसा हट जाएगा, अल्फाबेट हो जाएगा। अल्फाबेट मतलब होता है कि सेट ऑफ लेटर, मतलब कि सारे के सारे लेटर्स का सेट, इसमें अल्फाबेट बोलते हैं, अल्फाबेट्स कोई वर्ड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 826। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोयम इज एज फॉलोज ऑफ दिस पोयम। एरर फर्स्ट, नो एरर, एरर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 826 का जो एरर है नो एरर है यहाँ पे, क्योंकि द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोयम इज एज फॉलोज, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 827। आई वॉच्ड हाउ द पियोनिस्ट यूज हर लेफ्ट हैंड, आई वॉच हाउ द पियोनिस्ट एरर यूज हर लेफ्ट हैंड। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। ये नया देखने को क्या मिलेगा कि जब भी आप पियोनिस्ट की बात करेंगे तो इसकी स्पेलिंग में एरर है। पियोनिस्ट की स्पेलिंग जो होती है PIANIST होती है, पियानिस्ट। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है स्पेलिंग करेक्शन का भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 828। हु डू यू थिंक आई मेट। तो 828 में जो एरर है फ्रेंड्स की, हु डू यू थिंक आई मेट, वो पूछ रहा है कि तुम्हें क्या लग रहा है किससे मिला था, ये बात पास्ट में चली गई, आई मेट। तो यहाँ पे आपको हुम लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को पूछ रहा है, ये ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है कि तुम किससे मिले थे, हु यू डिंग, तो यहाँ पे हुम लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 829। जस्ट आउटसाइड माई हाउस आर अ प्ले ग्राउंड फॉर स्कूल बॉयज एंड। यहाँ पे तो फ्रेंड्स पढ़ते ही एरर मिल गया कि जस्ट आउटसाइड माई हाउस आर अ प्ले ग्राउंड। 829 में जो एरर है कि प्ले ग्राउंड एक सिंगुलर है, प्ले ग्राउंड आपका सिंगुलर होता है, यहाँ पर प्ले ग्राउंड सिंगुलर है, एक प्ले ग्राउंड की बात होगी, यहाँ पे आर लगा हुआ था, यहाँ पे इच करना होगा हमको, जैसा ऑब्जेक्ट जैसा सब्जेक्ट उसके हिसाब से वर्ब को चेंज करना पड़ता है, तो यहाँ पे ये यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही कैन बी अ बास्केटबॉल प्लेयर सिंस ही इज टॉल लाइक अ म्यूल। यहाँ पे पढ़ता ही एरर मिल गया दोस्त की, यहाँ पे जो टॉल लाइक अ म्यूल बोल रहा है, खच्चर की तरह लंबा कुछ ऐसा मीनिंग होता नहीं है रियल में। जब भी कोई लंबा होता है तो जिराफ होता है या ट्री होता है या स्टीपल होता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी एग्जाम्पल आप हमेशा देखिए सही चीज़ों का देंगे, तो यहाँ पे आपको म्यूल नहीं, यहाँ पे आपको जिराफ लिख दीजिए या ऐसा कोई भी चीज़ जिसका कंपेरिजन होता है लंबाई। तो ही स्टॉल लाइक अ म्यूल नहीं होता, ही स्टॉल लाइक अ जिराफ होता है। क्वेश्चन नंबर 831। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेजेस वाइल ऑन अ जर्नी, टू टेक हैवी लगेज वाइल। तो यहाँ पे जो एरर रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 831 में कि लगेजेस नहीं होता, जब भी होता है तो लगेज होता है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है ये कई बार कि लगेज होता है, लगेजेस कुछ कोई वर्ड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 832। अ बर्ड इन द ट्री इज वर्थ टू इन द बस, इन द बुश। क्वेश्चन नंबर 832 में क्या है फ्रेंड्स कि अ बर्ड इन द हैंड, ये आपका ईडियम फ्रेजेस से एरर आ गया। यहाँ पे आप जो ये अ बर्ड इन द ट्री इज वर्थ टू इन द बुश, ये आपका ईडियम होता है, तो ईडियम में जो एरर होता है वो आपको ईडियम पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा कि जो होता है अ बर्ड इन द हैंड होता है। अ बर्ड इन द हैंड इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, इस
ईडियम का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि आप पहले से ही, अगर आप पहले से कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो उसको आप बेटर, मतलब अपने पास जैसे मान लीजिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, इट इज़ बेटर टू कीप समथिंग दैट यू ऑलरेडी हैव देन टू रिस्क लूजिंग इट बाई ट्राइंग टू गेट मच मोर। मतलब एक तरह से आप देखा जाए तो लालच अगर आप करेंगे, अगर आपके पास पहले से ही कुछ 80% की वैल्यू में है, अगर आपके पास 80% कोई चीज़ है आप चाहते हो उसको 100 करना, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप 100 के चक्कर में वो 80% को भी खो दें। तो वही होता है कि लालच नहीं करना, मतलब इससे बेहतर है कि आप उसको 80% को संभाल कर रखे रहिए रदर देन कि आप उसको 100 के चक्कर में उस 80 को भी गवा बैठे। तो इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 833। सेवरल गेस्ट नोटिस मिस्टर शर्मा फॉलिंग बैक इन द चेयर एंड गैस्पिंग हिज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। तो 833 में जो एरर है फ्रेंड्स, यहाँ पे नो एरर है क्योंकि ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सेवरल गेस्ट नोटिस मिस्टर शर्मा फॉलिंग, मिस्टर शर्मा फॉलिंग बैक हुए इन चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, गैस्पिंग करने लगे ब्रेथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 834। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क 3 आवर अगो एंड हैव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस देन। तो क्वेश्चन नंबर 834 में जो फ्रेंड्स है एरर है कि 3 आवर अगो, 3 आवर अगो मतलब वो बात पास्ट में चली गई, वो बात पास्ट में चली गई, और जैसे ही वो बात पास्ट में गई तो आपको पता होना चाहिए कि हैव को हम हैड बना देंगे। 3 घंटे पहले की बात हो रही है, तो वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क 3 आवर अगो, टाइम की बात हो रही है, एंड हैज़ बिन वेटिंग फॉर यू 3 आवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 834 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 835। मेनी अ मैन वॉन्ट टू बी रिच क्विकली। तो 835 में जो एरर है फ्रेंड्स कि मेनी अ मैन, मेनी अ मैन आपका सिंगुलर क्वांटिटी है, मेनी अ मैन मेनी में से एक आदमी को तो सिंगुलर है, तो जब भी आप ऐसे वर्ड देखेंगे तो आपको तुरंत का तुरंत वर्ब को भी वांट को भी वांट्स करना होगा क्योंकि ये वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 836। द रशियन एम्बेसडर्स वेयर अबाउट्स इज नॉट नोन टू एनी वन। तो क्वेश्चन नंबर 836 में जो है फ्रेंड्स आपका द रशियन एम्बेसडर्स वेयर अबाउट इज नॉट नोन टू एनी वन, यहाँ पे नो एरर है, बिल्कुल करेक्ट वर्ड लिखा है, ये कोई करेक्ट सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे, जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए अपने दोस्तों में, जहाँ चाहते हैं वहाँ इसको फैला दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आइए, क्वेश्चन नंबर 837। स्टडी इज गोइंग अंडर वे टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट कंसनट्रेशन ऑफ लीड इन द वाटर सप्लाई, टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट कंसनट्रेशन, नो एरर। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 837 का अगर आप मानव मीनिंग को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अ स्टडी इज गोइंग अंडर वे। तो अ स्टडी इज गोइंग अंडर वे मीनिंग यहाँ पे बैठ नहीं रहा है, अंडर वे मतलब भी होता है किसी काम का प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, और गोइंग मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ पे आपको अंडर वे हटाना पड़ेगा क्योंकि 837 में से या तो आप गोइंग हटा दीजिए, क्योंकि तो स्टडी इज अंडर वे टू डर गोइंग, या फिर गोइंग अप्रोप्रिएट मीनिंग आ रहा है, तो अ स्टडी इज, स्टडी इज गोइंग, गोइंग यहाँ पे फ्रेंड अप्रोप्रिएट वर्ड मीनिंग नहीं देगा, तो यहाँ पे आपको गोइंग को हटाना पड़ेगा। तो हो जाएगा 837 का स्टडी इज अंडर वे, वैसे किसी को भी हटा सकते हैं क्योंकि दोनों को दोनों सेम मीनिंग दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 838। द चिल्ड्रंस वर हैप्पी व्हेन द फिल्म स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 838 में क्या है फ्रेंड्स कि द चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं होता, जब भी आप अगर एक चाइल्ड है, अगर एक बच्चा है, ये नन्ना मुन्ना राही है जिसका सिपाही भी है, तो अगर ऐसे कई सारे बच्चे आ गए, कई सारे नन्ने मुन्ने आ गए, कई सारे सिपाही आ गए, तो आप उसको चिल्ड्रन कर देंगे, और चिल्ड्रन अपने आप में प्यूरल होता है और चाइल्ड सिंगुलर होता है, यहाँ पे चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं होता, ऐसा हटाना पड़ेगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 839। हिज न्यू जॉब नेसेसिटेड हिज गेटिंग अप एट 6। तो क्वेश्चन नंबर 839 में जो आपका एरर है फ्रेंड्स, नो एरर है, यहाँ पे कोई भी ऐसा एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 840। दिस इज जॉन्स बुक ऑन टेबल। अगर आपको फ्रेंड किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो जरूर उस क्वेश्चन का नंबर बस बता दीजिए, मैं आपको पूरा का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 840। दिस इज जॉन्स बुक ऑन द टेबल। तो क्वेश्चन नंबर 840 में क्या है फ्रेंड्स कि अपोस्ट्रॉफी एस, क्योंकि वो जॉन की किताब है। अगर यहाँ पे आपको मतलब को समझेंगे तो वो किताब जो है वो जॉन की है, और जॉन की किताब को आप अपोस्ट्रॉफी एस से बताएंगे कि वो जॉन की किताब है, पोजिटिव हमें दिखाना है, हमें जॉन का हक दिखाना है उस किताब पे, तो आप अपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, जैसे हो जाता है राम्स बैट, उसी तरह जॉन्स बुक, जॉन की किताब, राम्स बैट, राम का बल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 841। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेज वाइल ट्रेवलिंग दिस डे। ये सेम क्वेश्चन है फ्रेंड, लगेजेज नहीं, लगेज होता है, ये बहुत ही बेसिक सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 842। एन एंशियंट्स कंसीडर्ड दैट नॉलेज हैड इट्स लिमिट। क्वेश्चन 842 फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका एरर है वो जाएगा कि द एंशियंट, आपका यहाँ पे आर्टिकल एरर है, क्योंकि द एंशियंट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे
एक ग्रुप की बात कर रहा है कि द एंशियंट्स कंसिडर्ड, मतलब जितने भी उस ग्रुप में एंशियंट्स के जितने भी लोग थे उसको कंसिडर्ड किए, नॉलेज हैड इट्स लिमिट, कि नॉलेज की एक लिमिट्स होती है। तो 842 में जब हो जाएगा द लग जाएगा, क्योंकि वो एक पार्टिकुलर ग्रुप बता रहा है, पार्टिकुलर लोगों को बता रहा है, जो जो एंशियंट के लोग थे उनको डिनोट कर रहा है। तो ये रहा फ्रेंड, अब सब्सक्राइब का स्लाइड आ चुका है फ्रेंड, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज़रूर सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए इंग्लिश पढ़ने में, जो कि जो भी बुक्स होंगी इंग्लिश की आप मुझे सजेस्ट करिए, मैं उस सबका सोल्यूशन आपके लिए लाऊंगा अपने चैनल पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि सब्सक्राइब सब कर दिए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 843, डिस्पाइट द स्पीड इन विच ही वॉज ड्राइविंग ही कुड नॉट रीच ऑन टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 843 का जो एरर है दोस्त वो हो जाएगा प्रपोजिशनल रिलेटेड एरर। ही डिस्पाइट द स्पीड एट विच, स्पीड पे होता है, स्पीड में नहीं होता, कोई भी चीज़ स्पीड में चली था बोलते हैं स्पीड पे। तो डिस्पाइट द स्पीड एट विच ही वॉज ड्राइविंग, जिस स्पीड वो ड्राइविंग कर रहा था, जिस स्पीड पे, पे मतलब एट, ना कि जिस स्पीड स्पीड में वो ड्राइविंग कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 844, बींग अ वेरी कोल्ड आई कुड नॉट गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। क्वेश्चन नंबर 844 का जो एरर है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट की मिसिंग थी, इट बींग अ वेरी कोल्ड, यहाँ पे वर्ब दे दिया है और बाकी सेंटेंस आपके ऑब्जेक्ट में चले गए, सब कुछ दे दिया, लेकिन यहाँ पे बस सब्जेक्ट की कमी थी, तो सब्जेक्ट हम इट लगा के पूरा कर दिया, और इट जो होता है वो डमी सब्जेक्ट होता है, मतलब किसी की जगह आके कहीं पे भी ये अब यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अगर सब्जेक्ट की कहीं कमी है तो आप वहाँ पे इट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इट अपने आप में डमी सब्जेक्ट होता है, और डमी सब्जेक्ट अगर आपको नहीं पता है तो ज़रूर आप डमी सब्जेक्ट पढ़ के आइएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 845, दिस इज द गर्ल हुज ब्रदर इज़ अ डॉक्टर। 845 में नो एरर है, क्योंकि यहाँ पे दिस इज अ गर्ल हुज ब्रदर इज डॉक्टर, वह लड़की है जिसका भाई डॉक्टर है, सही है। क्वेश्चन नंबर 846, द चिल्ड्रन आर ड्राइविंग मी टू डिस्ट्रैक्शन टुडे। तो 846 का जो एरर है फ्रेंड्स, जो आपका एरर वो हो जाएगा द चिल्ड्रन आर ड्राइविंग मी टू डिस्ट्रैक्शन टुडे, तो नो एरर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 847, थॉट्स अबाउट द स्लॉटर्ड चिल्ड्रेन इज अपर मोस्ट ऑन माई माइंड। तो क्वेश्चन नंबर 847 का जो एरर है, जैसा कि आप देख रहे हैं थॉट्स, ये आपका सब्जेक्ट आपका प्यूरल है यहाँ पे, तो यहाँ पे जरूर से जरूर वर्ब भी आपका प्यूरल होना चाहिए, तो वर्ब है कहाँ, वर्ब यहाँ पे आपका इज लगा, तो यहीं पे आपका एरर है, तो ये आपको हो जाएगा आर, क्वेश्चन नंबर 847। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 848, द लग्जरीज ऑफ द रिचेस आर मेंटेन बाई डिप्राइविंग द पुअर ऑफ देयर ड्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 848 का जो एरर है दोस्त, कि यहाँ पे देखिए आपकी द पुअर लगाइए, एक ग्रुप के बारे में बता रहा है, एक द पुअर आपको ये नाउन है द पुअर, तो क्वेश्चन नंबर 848 में जो हो जाएगा द रिच हो जाएगा, क्योंकि द पुअर यहाँ पे द रिच के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि रिच जो है वो एक कम्युनिटी बता रहा है, अमीर लोग, द लग्जरी ऑफ द रिचेज नहीं, द लग्जरी ऑफ द रिच, जो भी अमीर लोगों में, जो भी जैसे मान लीजिए अमीर लोगों का कम्युनिटी, तो इसमें जो भी अमीर लोग हैं तो उनका बात हो रहा है इस कम्युनिटी के पुअर लोगों से, ऐसे बात होता है। तो यहाँ पे द रिच है तो द पुअर होगा, द रिचेज नहीं होगा, और आपका ये जो द रिच है ये आपका नाउन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 849, दे ब्रॉट टू देम सेल्फ दिस डिजास्टर। जैसा कि आप देख रहे हैं दे ब्रॉट टू देम सेल्फ, दे का देम सेल्फ, लेकिन यहाँ पे दे है, मतलब प्यूरल बात बता रहा है, सब्जेक्ट आपका प्यूरल है, तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव भी आपको लगाना पड़ेगा, देम सेल्फ प्यूरल लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा आपका देम सेल्फ, दे ब्रॉट टू देम सेल्फ दिस डिजास्टर, वो खुद की लीला है। तो 850, एवरीबडी वॉन्ट्स टू एन्जॉय हैबिचुअल पीस इन माइंड। तो यहाँ पे जो एरर है दोस्त, कि पीस इन माइंड नहीं होता, पीस इन माइंड आपका नहीं होता, पीस ऑफ माइंड होता है, दिमाग की शांति, दिमाग में शांति नहीं, दिमाग की शांति होती है, तो ये आपका फिक्स होता है पीस इन माइंड। तो ये थे दोस्त हमारे 850 तक के सोल्यूशन, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 900 तक के सोल्यूशन देंगे। तो जय हिंद, जय दोस्त।